जिंदगी एक ऐसे जर्नी का नाम है जिसकी राइड सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग और फुल ऑफ सरप्राइजेस है। रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल या आसान हो, यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। रिमेंबर देयर इज नो लुकिंग बैक। जो हो गया सो हो गया। Every turn brings you new hope and ambition. All you have to do is to keep yourself ready and prepared. ये मत भूलें कि जिंदगी के हर मुश्किल टर्न के बाद ट्रैक पर सीधा और स्मूथ पैच भी आता है। Just stay focused and keep going. You can surpass any hurdle, but if you do it while enjoying the challenge, तो आसान हो जाता है। सक्सेस आपके पास आने का रास्ता खुद से बनाने लगती है और यही वो मोमेंट होती है जो आपकी सारी कोशिशों को वर्थ इट बनाती है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड द विन वेट्स फॉर यू। Here we go, 2F2F Formula Karting Club, ladies and gentlemen, woohoo! It's all about thrill, speed and the finishing line. This is going to be so much fun. Ni hao, today I'll be exploring the 2F2F Formula Karting Track, which is situated in Cantonment, Lahore. यह है एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्टिंग ट्रैक्स और पाकिस्तान का फर्स्ट इंटरनेशनल लेवल कार्टिंग ट्रैक। आई एम सो एक्साइटेड, लेट्स एक्सप्लोर। गाइस, अभी मैं 2F2F फॉर्मूला कार्टिंग क्लब के इंफॉर्मेशन सेंटर में खड़ी हूँ, तो हम इस जगह के इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। चलो। Assalamualaikum. Assalamualaikum. वैसे दिस इज माई फर्स्ट टाइम, तो कैन यू गाइड मी थ्रू? 3,300 पर पर्सन है, 15 मिनट्स का सेशन होगा 18 प्लस के लिए। ओके, मेन ट्रैक पे। मेन ट्रैक, ठीक है। और बच्चों का भी है यहाँ पे मिनी ट्रैक, इसकी प्राइस है 1,500। ओके, और वैसे हम लोग वीक डेज में जो है डिस्काउंट कर रहे हैं, सो 1,000 है इसकी प्राइस। और ये 10 मिनट्स का सेशन होगा बच्चों का। अच्छा, और उसके अलावा दोनों में क्या फ़र्क है, मतलब स्पीड के बारे में? स्पीड जो मेन ट्रैक पे है उसकी 80-90 स्पीड है, ठीक है, और जो बच्चों का है उनका 30-40 स्पीड। अच्छा, सही है। सो यू हैव केप्ट द सिक्योरिटी प्रिकॉशंस एवरीथिंग इन माइंड? या, और इनका जो है 1 किलोमीटर है मेन ट्रैक, और मिनी ट्रैक का 0.5 किलोमीटर। अच्छा, हाँ। और इधर बहुत ज़्यादा लोग वीकेंड्स पे आते हैं या वीक डेज पे आते हैं? वीकेंड पे बहुत रश होती है, मीन्स 2-2 घंटों का जो है वो होता है वेटिंग टाइम। तो ट्रैक्स के अलावा कोई और जगह है? हाँ, यहाँ पे कैफ़े भी है साथ, और विंटेज कार्स शोरूम भी है साथ। अच्छा, सो गाइस, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लोर द विंटेज कार शोरूम, लेकिन अभी मैं टिकट खरीदूँगी। या, सो सबसे पहले आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद आपको टिकट, और उसके बाद आपको ब्रीफिंग देंगे हम। सही, ठीक, डन हो गया। That's where the real excitement kicks in. Registering yourself for newer challenges. I'm all set. Motorsports are dangerous always. So it is safety briefing is a must. Until now, I'm very much impressed. And injuries are kept to a minimum. Karting is not suitable for expectant mothers, persons with heart or back problems. Animation artwork ki bhi tareef karni padegi. Doesn't let you lose interest. Zabardast. Those who are under the influence of alcohol or drugs, helmets and gloves must be worn at all times. These guys are definitely keeping up with international standards for motorsport safety. Totally on point. It's time, guys. I'm off to my kart. अस्सलामुअलैकुम। ये मेरा टिकट है। ये हेलमेट आप ले लें।
अच्छा आप सैनिटाइज भी कर रहे हैं? जी जी सैनिटाइज होते हैं, हेलमेट ग्लव्स वगैरह तमाम चीजें ये सैनिटाइज होती हैं। वेरी गुड। बालों का जूड़ा बना रहे हैं, बाल पीछे खुले नहीं छोड़ सकते हैं, अच्छा। पीछे साइलेंसर वगैरह होता है उसमें लगेंगे जल सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं कर लेती हूं। जी जी ठीक है, ओके जी शुक्रिया। और ग्लव्स भी शुक्रिया। गाइस ऐसे ही होना चाहिए, ऑल द थिंग्स शुड बी वेल सैनिटाइज्ड। चलो लेट्स गो। बूम, दैट्स माय कार्ट। द फीलिंग्स आर मिक्स्ड, विल आई डू फाइन और विल आई ब्रेक लैप टाइम रिकॉर्ड्स ऑफ दिस ट्रैक? किडिंग, आई एम जस्ट होपिंग टू डू फाइन फॉर नाउ। कार्ट इज अप्रॉक्सिमेटली 80 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि मेरे ख्याल से काफी तेज है फॉर द साइज ऑफ दिस ट्रैक। आई एम लविंग इट, द ट्रैक इज सो स्मूथ। द मोर डिस्टेंस आई एम कवरिंग, द मोर कॉन्फिडेंस एंड ग्रिप आई एम गेनिंग ऑन दिस ट्रैक। सेफ्टी मेजर्स आर ऑल्सो वेरी सेटिस्फैक्ट्री। दैट्स माई फोर्थ लैप एंड आई एम ऑलरेडी मेकिंग बेटर टर्न्स। Checkered flag. Finally reaching the finishing line. Wo bhi in style. Yay! It was definitely a very thrilling experience. I had so much fun. Bahut maza aaya. I would definitely recommend you guys to do it. Aur waise bhi, I feel like I had done really well in the last lap because, you know, with practice, you become better at it. Aur waise bhi, this ride is for 15 minutes, but I feel like it was an eternity. Like, literally, it was totally worth it. Oh my God. Next to the main track of 1 kilometer, there's a half kilometer track for kids. तो गाइज मैं आपको बताती चलूँ, इधर दो ट्रैक्स हैं, एक बड़ा वाला ट्रैक है जो बिल्कुल सामने है और एक दूसरा ट्रैक है जो बच्चों के लिए है। तो अभी मैं बिल्कुल चिल्ड्रंस ट्रैक पे खड़ी हूँ एंड आई सी सम किड्स ओवर देयर, तो हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो हाउ आर यू गाइस? वी आर फाइन। फाइन। एंजॉय किया? बहुत ज्यादा। अभी करके आए? हाँ। अच्छा, तो एक्सपीरियंस कैसा लग रहा? बहुत अच्छा था। अच्छा, पर बहुत मजा भी आया। ऐसे फील आ रही है जैसे मेसर बन गए। वाओ, इंशाल्लाह वन डे यू विल बिकम प्रोफेशनल्स। और आज मतलब व्हाई यू गाइस हियर? बिकॉज़ इट्स आवर कजन्स बर्थडे। यस। और आप लोग कितने मतलब फ्रीक्वेंटली इधर आते हैं? दिस इज माय सेकंड टाइम। दिस इज माय सेकंड टाइम, देयर फर्स्ट टाइम। यस। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तो हु एल्स यू केम विद? अच्छा, सो गाइस दिस इज डेफिनेटली अ स्पॉट फॉर फैमिलीज एंड इवन फॉर योर फ्रेंड्स, you know, they're here for their cousin's birthday celebration and
इट्स डेफिनेटली द परफेक्ट स्पॉट टू कम टू. अच्छा, और वैसे आप लोगों में कौन कौन है जो फास्टेस्ट ड्राइवर है? आई वुड से मी. ये रियली ये बहुत तेज चलाता है. अच्छा, सेकंड कौन है? सेकंड मैं. ओह, यू आर द लास्ट वन. ओह, नो प्रॉब्लम, कीप इट अप. ट्राई बेटर, ट्राई बेटर. ओके, और आपका फेवरेट ड्राइवर कौन है? वो स्टेपन. एफएम ड्राइवर? वो स्टेपन. अच्छा, और आप? मेरा हनंजम. गुड चॉइस. और आप? कोई भी नहीं. ओह, पढ़ते हो ना? आप तो मतलब बिकॉज़ ही वाज नर्ड एट मैथ्स. अच्छा, नर्ड. ही डजंट डू एनीथिंग, जस्ट लाइक ही जस्ट प्रैक्टिस मैथ्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो मतलब ही स्मार्ट. या सो एवरीवन इज गुड इन वन वे और द अदर. चलो, दैट्स गुड. एंजॉय करें एंड आई विल सी यू गाइस लेटर. थैंक यू. थैंक यू. बाय बाय. दे आर सो क्यूट. तो गाइज, अभी मैं एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ, तो हम उनसे बात कर लेते हैं और देखते हैं. अस्सलाम वालेकुम. आप फैमिली के साथ आई हैं? यस. अच्छा, ये आपका बेटा है? बेटा है, ये बेटी है. माशाल्लाह, सो क्यूट, लवली फैमिली. तो किस पर्पस के लिए आया? फर्स्ट आज मेरे बेटे का बर्थडे था. अच्छा. तो बच्चों ने फरमाइश की कि हमने जाना है ट्रैक पे, तो इस वजह से मैं सारी फैमिली को लेके आया. अच्छा, दिस इज सो नाइस. और ये पहले दफा आया? फर्स्ट टाइम. तो आपका कितने एक्सपीरियंस कैसे लगे? गुड. गुड. तो आप लोगों ने कब से आया? 7 o'clock. 7 o'clock. वाओ. गो कार्टिंग के अलावा आपने कुछ किया बच्चों के साथ? नहीं, अभी तो जस्ट 1 hour हुआ है, तो अभी एंजॉय कर रहे हैं. अच्छा. और आगे फर्दर करते हैं. और वैसे आप F1 races देखते हो? इतने शौक से नहीं. Okay, no problem. Not an enthusiast. Yes. Like me. It's really nice meeting you. Okay. Chale, thank enjoy. You. Have thank fun. You. Thank you. Happy birthday to you again. Thank you. Okay, bye-bye. Bye. Indeed, it's the perfect motorsport spot for kids as well. So I'm here with Shazin, a 7-year-old kid, and he's the fastest kid of this club. And I really want to talk to him. Hello, Shazin. Hello. How are you? I'm fine. You're really looking handsome in this suit. So who is your favorite F1 driver? Max Verstappen. Oh, good choice. And who is your inspiration? Max Verstappen. Aur kab se kar rahe ho? Racing, go-karting. At the start of this year. Uh-huh. Start of this year? Yeah. Aur kiske saath karte ho? With my dad. Oh, and how frequently do you guys come here? Every week. For training? Yeah. That's so cool. That's very good. So you love driving cars, right? Yeah. Oh, and what's your dream? I want to be an F1 driver. I'm practicing to go to F1. That's so cool. And I really wish that one day you will become a professional and I will see Shazane's name in the F1 list. Okay? Okay. Done? Yeah. Best of luck. Really nice to meet you. Meet Shazin. This kid is super cool. Total pro hai. With the Red Bull Racing branding all over him, he seemed like little Max Verstappen from F1. He drove so well. I'm sure he'll be one of the best for Pakistan in the future. Super talented kid. More success to you, Shazane. अभी हमारे साथ मौजूद है the GM of 2F2F Formula Karting Club. तो हम उनसे information ले लेते हैं. Assalamu alaikum, Mr. Farooq. So how are you? I'm good, alhamdulillah. How's it going? It's going alhamdulillah very fine. और ये club कब से operational है? हमारी ओपनिंग हुई थी फरवरी 2021 में. इसी साल हमने ओपनिंग की है. अच्छा, वेरी रिसेंटली. यस. ओके ओके. तो आप लोग इधर कंपटीशन, रेसिंग कंपटीशन भी करवाते हैं? जी, हमारी एवरी मंथ यहाँ पे रेस होती है. और अब तक हमारे ट्रैक पे 2 रेड बुल स्पॉन्सर्ड कार्ट फाइट्स हो चुकी हैं. वाओ. और इंशाल्लाह अक्टूबर 1 को हमारी एक और रेस आ रही है. तो अभी हम उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं. हाउ एक्साइटिंग. और मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग इधर आते हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं. सो नॉट इवन द एमेच्योर्स बट आल्सो लाइक प्रोफेशनल्स भी? यस जी, हमारे पास यहाँ पे प्रोफेशनल ड्राइवर्स भी आते हैं, जिनमें से हमजा पाशा है,
तलहा है जो कि इंटरनेशनल इवेंट्स में भी अपीयर हुए हुए हैं, हमारी फीमेल ड्राइवर्स भी आती हैं यहाँ पे जो आहिस्ता आहिस्ता अपने स्किल्स में इम्प्रूव कर रही हैं। Oh wow, this is so cool. Yes. और वैसे ट्रैक के बारे में भी मुझे बताइए। जी हमारा ट्रैक वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैक इन एशिया है और हमारे ट्रैक के 16 कॉर्नर्स हैं। गाड़ियों की अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास 3 डिफरेंट फ्लीट्स हैं। एक हमारे पास जो बच्चों के लिए इट्स कॉल्ड लिटिल रेसर, हाउ क्यूट, 160 सीसी और उसकी इंजन पावर है। दो हमारे पास अडल्ट्स की फ्लीट है, एक 270 सीसी की और एक 390 सीसी की। 390 सीसी की जो है वो हमारी रेस फ्लीट है जिसमें हम रेसेस वगैरह प्रोफेशनल लेवल है, यस, जिसमें हम अपनी रेसेस वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा सही है। और आप लोगों का फ्यूचर प्लान क्या है? हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम सोडी वर्ल्ड सीरीज के साथ रजिस्टर हैं जैसे मैंने बताया आपको, और सोडी वर्ल्ड सीरीज की रेसेस इंशाल्लाह हम फ्यूचर में करवाएंगे जो कि इंटरनेशनल इवेंट है। तो आप लोग इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा रहे हैं? इंशाल्लाह हमारा प्लान है। हम इनकरेज करते हैं कि लोगों को कि यहाँ पे आके अपनी रेसेस करें रादर के वो स्ट्रीट के ऊपर रेसिंग करें जिससे उनकी जान को भी खतरा है और लोगों की जान को भी। बिल्कुल, दैट्स गुड। विशिंग यू गाइस बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। So guys, I'm so pleased to stand next to the fastest female driver and the second fastest female driver of Pakistan. And I cannot wait to ask some questions. Assalamu alaikum, Michelle. Assalamu alaikum, Kinza. So, aap log kab se kar rahi hain? वैसे वी केम हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 14 फेब्री, लेकिन कार्टिंग का और रेसिंग का शुरू से शौक था। तो व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू ड्राइव विद माय डैड सिटिंग ऑन हिज लैप, आई यूज्ड टू कंट्रोल द स्टीयरिंग। और फिर जब ये ट्रैक खुला यहाँ पे लास्ट ईयर दिसंबर में, देन वी केम हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आई गॉट अ चांस टू वर्क विद माई ऑन माई ड्राइविंग स्किल्स और रेसिंग स्किल्स। फिर यहाँ से रेसिंग का भी शौक पड़ गया। And who is your inspiration? My inspiration is my brother. Your brother? Since, yeah, he's been supporting me since day one. And we used to have our car talks till 4 a.m. in the morning. So I'm really like blessed. And he's a him. Crazy, you know, he's obsessed with speed. My so we've always seen him, his huge obsession with cars and everything. And I think you guys got influenced as well. No? Yeah. Yes, definitely. Or we say you guys usually come to this karting club or yes. not? For the first time, we just came here for just for fun. Lekin, But now we're here almost like twice a week, every week, I guess. For training purposes. Yeah. Acha. Wow, so you guys, I mean, this is really impressive. Like, you guys just started not very long ago, and then you have become the first and actually the second, you know, fastest female drivers in Pakistan. That's amazing. Thank you. Or, Vese, what would you say to the audience in front of us? One thing I would like to say, ke all of the males and females who are so much into racing and all crazy for this thing, they should come on this track because we have this facility and this opportunity in Lahore, so they should avail it instead of going for street racing. So it is better to come here because this is much safer place. Safety ke liye. Yeah, and it's legal as well. Yeah, that too. And I think no sport is gender biased. I mean, it's not for male and female. If the sports in the world, those which males are doing, females are also participating in that. Exactly. So why not karting? Aur वैसे मुझे ये बता दो, when you guys competed in the competition, so I heard you guys were racing against the male as well. Yeah. Wow. And what was your position overall? Sixth. And what about you? I wasn't in this tournament. But yeah. Sixth. Oh yeah. My God. And I was the only female participating in this competition, even the one that. Girl power. Definitely. You're doing amazing, wonderful job. Thank and you. I'm so Thank blessed you. To meet you guys. Thank so you. So inshallah in the future we will also see each other at this place. Yeah. I will definitely, you know, want to get, you know, the lessons from you. We want girls to come here so that we have competition. You have company as well. Yes. Chalo. Okay, have a nice evening. Thank you. Thank you. Guys,
इस कार्टिंग क्लब में एक विंटेज कार शोरूम भी है. आई एम गोइंग टू चेक इट आउट. आ जाओ. अस्सलाम वालेकुम. ग्रीटिंग्स. क्या हाल है भैया? ठीक है. मैं बिल्कुल ठीक. आप ठीक है? बिल्कुल ठीक. और मुझे ये बताइए, ये किसके कलेक्शन है? ये हमारे जो यहाँ पे चेयरमैन है जो बेसिकली इसको ओन करते हैं, ये सारी उनकी फाइनेस्ट कलेक्शन है. वाओ, आई कैन सी दैट. और उनका बहुत रिच टेस्ट है इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स. और मैं आपको टूर एक में कराना चाहूंगा. इफ यू फॉलो मी दिस वे. श्योर, जरूर. सो मारिया, ये मॉडल है, इसको कहते हैं फोर्ड मॉडल ए. 1927 में मैन्युफैक्चर हुई थी. 3.3 लीटर है. 1030 केजी तक ये वे करती है. बहुत खूबसूरत है. नो डाउट. अच्छा, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको मैं बता दूं. ये जो KFC ओनर थे, ये उनके यूज में थी. really? बेसिकली उनको ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी. बहुत फ्रीक्वेंटली उसको इस्तेमाल करते थे. अच्छा. एक सिटकॉम था थ्री स्टूजेस का, उसमें एक किसी एपिसोड में ये यूज हुई है. उसके अलावा US के 32nd प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट, ये उनकी भी फेवरेट कार थी. और ये अभी ये बहुत कम अभी एक्चुअली गाड़ियाँ रह गई हैं. ये ब्रिटिश म्यूजियम में बेसिकली अब ये पाई जाती है. लिमिटेड एडिशन है. जी, लिमिटेड एडिशन है. इसी का ही मिलता जुलता टाइटैनिक मूवी के अंदर एक मॉडल यूज हुआ था. राइट, बिल्कुल. मुझे अभी याद आ गया. ओके, मूविंग ऑन. मैं आपको दूसरी गाड़ी यहाँ की दिखाना चाहूँगा. दिस इज कॉल्ड सनबीम अल्पाइन सीरीज 4. प्रिंस ऑफ मोनाको, ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी बिकॉज इसका स्लीक डिज़ाइन और इसकी माचो लुक की वजह से. ये अभी भी चलती है? ये नहीं, अब अनफॉर्चुनेटली अब ये सिर्फ एंटी कार्स की कलेक्शन है. ओके, नेक्स्ट. द फेमस मोस्ट कार, मिनी कूपर. By Mr. Bean. Yes, the color scheme is of that movie. इसका इंजन साइज ज़्यादा बड़ा नहीं था, 1000 लीटर थी और 900 kg इसका वेट था. 1974 मॉडल है बेसिकली ये. अगर इसकी बात की जाए इसकी हिस्ट्री की, मिस्टर बीन मूवी में यूज हुई थी ये. और जॉर्ज हैरिसन लीड गिटारिस्ट है. लीड गिटारिस्ट थे उसके बीटल बैंड के. ये उनकी फेवरेट कार थी. cool. नेक्स्ट, दिस इज जैगुआर मार्क 9. 1958 मॉडल है ये. और इसकी हिस्ट्री में आपको अगर बताऊं तो ये द मम्मी रिटर्न्स, उसमें ये गाड़ी यूज हुई. एक्समैन अपोकलिप्स, उसके अंदर ये गाड़ी यूज होती हुई नजर आई. मिशन इम्पॉसिबल, ये उसके अंदर भी ये गाड़ी यूज हुई थी. दिस इज वेरी लॉन्ग. दिस इज वेरी लॉन्ग एंड अ फैबुलस कार. Yes, indeed fabulous. फिर जब एंटीक कार्स की बात हो तो उसमें बाइक तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती. दिस फाइन बाइक, दिस इज BMW R50. और दिस वॉज नोन फॉर इट्स कम्फर्टेबल लेवल. 1955 में ये यूज होती थी. 1960 में बेसिकली ये मूवीज में बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी. इसके अंदर आज भी अगर हम वो देखते हैं कोई फीचर्स, तो आज भी हम लोग अपने बाइक्स के अंदर वो क्लोज भी नहीं नजर आते वो वाले फीचर्स जो इन बाइक्स में होते हैं. बिल्कुल विंटेज है ना, तो इसलिए हम कहते हैं विंटेज. यस, वी डू. यस. ओके, नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड एरियल रेड हंटर. ये रशियन बाइक है. अच्छा. और वर्ल्ड वॉर 1 में ये बहुत ज्यादा जो थी मूवीज में हमें देखने को मिलती थी. अच्छा. 650 cc थी. और 190 kg बेसिकली इसका मतलब इसका वेट था. और वैसे मुझे लग रहा है कि दिस बाइक इज वेरी लॉन्ग, मतलब लेंथ वाइज, है ना? बिल्कुल. इसका बहुत ज्यादा यूज इसलिए भी होता था कि जो साइड साइड कार होती है ये बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकती है बाइक. राइट, नेक्स्ट अप इज BSA गोल्डन फ्लैश. ये अगेन 650 cc थी और 180 kg इसका वेट था.
ये इन द मिड ऑफ साउथ मूवीज बेसिकली इंडियन साउथ मूवीज ये उसमें बहुत ज़्यादा मूवीज में देखी थी और वैसे आई थिंक दिस लुक्स वेरी डिफरेंट क्योंकि ये गोल्डन की रंग में है एंड इसकी हाइट भी काफ़ी ऊंचा है मारिया यस ये काफ़ी इम्प्रेसिव है लेकिन मैं आपको अगली बाइक की तरफ लेके जाना चाहूँगा okay. आप ये सारे कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे ओके ओह पर्पल दिस इज रॉयल एनफील्ड बुलेट इफ यू आर अ फैन ऑफ इंडियन मूवीज आपको ये मतलब एवरी वन आउट ऑफ थ्री मूवीज में आपको ये देखने को मिलेगी अच्छा शाहरुख खान ने यूज की है ये शाहिद कपूर ने यूज की है वाओ फेमस एक्टर्स यस फेमस एक्टर्स कूल ओके नेक्स्ट अप बॉनहैम्स नॉर्मन ये फेमस ब्रांड था बेसिकली गाड़ियों के लिए ओके दिस वाज देयर फर्स्ट अटेम्प्ट दे ट्राइड देयर हैंड बाइक्स बनाने के लिए ओह सही नेक्स्ट प्लीज मर्सिडीज बेंज 170D डीजल इंजन स्लाइटली इसमें कैपेसिटी कम थी 1.7 लीटर थी 1927 का मॉडल है ये और हाँ इसका इंटरेस्टिंग इसका फैक्ट ये है कि ये नाजी फोर्सेस वर्ल्ड वॉर 1-2 में ये बहुत ज़्यादा पेट्रोलिंग के लिए यूज़ होती थी अच्छा एक और मूवी थी द ग्रेट एस्केप ये उसमें बहुत ज़्यादा यूज हुई ओके और कायदे आज़म भी अपनी उन्होंने कभी पब्लिक में जब उन्होंने शो करना होता तो उसमें इस गाड़ी में अक्सर वो जाया करते थे अच्छा। ये मॉडल वो उनमें से लास्ट बट नॉट द लीस्ट शेवरले बेलेयर नोमैड दिस इज पर्सनली वन ऑफ माय फेवरेट व्हाई ये भी मेरा फेवरेट है एक वो थी प्लेस्टेशन के ऊपर गेम थी ड्राइवर 2 ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिग्नेचर कार की तरह यूज हुई है हॉट व्हील्स एक्सेलरेशन ये उस मूवी में भी बहुत ज़्यादा यूज हुई है because I like this kind of design this is a perfect design yeah. मतलब अब तो हम लोगों को इस तरह का मिल नहीं पाता वरना मेरी ड्रीम कार होती तो ऐसी ही होती I know right ये तो पूरी कैलिफोर्नियन स्टाइल है Purely. Thank you so much, Usman Bhai, for your great information. Aur वैसे जैसे आपने कहा, this collection is indeed very precious and it definitely reflects the taste of owner. And it absolutely does. Yes. That's right. And it adds value to this karting club as well. Absolutely. Basically, जब आप यहाँ 2F2F Formula Karting आते हैं, तो आप welcome ही एक rich taste in antique cars से आपको किया जाता है. Exactly. तो वो वैसे इट कीप्स योर एड्रेनलिन पंपिंग तो आगे जाके आप और एक्सपेक्ट करते हो कि यार और मजा आने वाला है मोटर स्पोर्ट्स विंटेज शोरूम वाज श्योरली अ सरप्राइज पैकेज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड टोटली वर्थ इट Guys, I'm very excited because right now I'm standing with three very talented racing drivers. I cannot wait to talk to them. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. So how are you? We're doing fine. How are you? I'm great. So can you guys give us some introduction about yourself? Definitely. I'll start with myself. I've been karting for like last 13 years. I was in 2014, I was Saudi World Series champion, number one racing driver of Pakistan. In 2014, I was second. So I've been like back and forth I've been doing karting yahan pe bhi ab this is a very good 2F2F karting club this is a very good platform jiski wajah se karting kar sakte ho aur we can do competitions and everything coming back I'm Azir I'm not a professional racer but jab se kart track lahore mein khula hai tab se I've been racing and since I've been an enthusiast all my life so this was a great opportunity for us to come and race so bus we come here regularly and we fight with each other on the track so it's a great battle Wow, that's yeah. amazing. And what about you? So, I'm Talha and I've been into motorsports for a while now. So, I'm the youngest professional drift driver from Pakistan as well. Wow. And I do drifting, circuit racing, go-karting, drag racing, off-road rally as well. This year, we are starting with partners. So, we are working with sponsors and competing professionally. Okay. Yeah. So, then who was your inspiration? Like the inspirational figure? When I was young, I wanted to go towards Formula One, but by the time I learned about how to approach or how to get into that thing, it was too late.
And then I was in Southeast Asia, in Malaysia. So I found a professional racing driver for the first time ever. So I asked him all the questions I had in my mind from all my life, like how to do this, what happens if you can do this and that. And basically the thing is, if you are dedicated and committed enough, you can definitely make it worthwhile. So it's good to see the abhi to pro ban gaya na. So what about you? Who's your inspirational figure? I followed Formula One since 90s. Achha. So who's your favorite driver? Currently it's Max Verstappen. So since I'm wearing Red Bull, so I'm all Max Verstappen's merchandise. So yeah, but I think hamare zamane mein sirf masla ye tha ki jab hum bade ho rahe the, there were not any tracks and koi aisi opportunity nahi thi. So for us, hamari to chale, wo age nikal gayi. We just come here to have fun and enjoy the racing jitna apne aap ko improve kar sakte hain. But I think for kids growing, it's a great opportunity. This is a great facility, and I think this gives them a chance to come and get into racing, because log bahut hai yahan pe racing wale, bahut talented log bhi hain. And currently I'm training my son as well, so he's a 7-year-old, so I'm just trying ke wo aaye, and jitne shauk se wo kar raha, I would love to see him go represent Pakistan on definitely at a bigger stage, inshallah. One day, I believe that. Yeah. What about you? I love Fernando Alonso from Formula One. And from the previous era, I would recommend Ayrton Senna. And in the future, I go for George Russell any day. Wow. Yeah. Okay, you guys know better than me. Vaise, I cannot wait to just watch you guys compete, against each other. So what are you going to say to each other before that? We'll you want to challenge race. Them? Yeah, we'll have a clean race. And let's see who the best man win. Yeah. Yeah. Okay. Or woman, if there's a woman in the race. I'll just watch you guys. Oh, definitely. Yeah. Okay. And you should join us. Maybe next time. Okay. Because I've done it already. So, okay. And especially, I would like to thank Discover Pakistan, Dr. Kaiser. I know him personally as well. Ah. He's such a great guy. And you guys are doing a great job changing thank the you whole so much. Perspective. To the world of Pakistan that we need right now. Thank you so much for appreciating our efforts. Thank you for the whole team. Yeah, you guys you are so doing much. A great job. Thank Keep you. Doing it, and let's hope this changes the perspective of Pakistan all over the definitely, world. Definitely, definitely. Guys, I cannot wait to see their match. Oh, it's gonna be so thrilling. Was Hamza, the runner-up was Talha, and now you know who the winner is. Yes, it was Azir. What a race! After exploring the karting club, kafi thak chuki hoon, so now I'm going to take a snack break. Kyunki maine suna hai ki their cafe is also very good. So chalte.
cafe really has a nice ambience. Not only the menu looks good, but also if you ever feel you need a break, you should come here. Enjoy the skyline view, feel the breeze, and enjoy your friend's company. You will feel much, much better. चाहे आप गो कार्टिंग में इंटरेस्ट है या नहीं, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू कम टू दिस प्लेस, क्योंकि इट्स अ परफेक्ट हैंग आउट स्पॉट विद फ्रेंड्स एंड विद फैमिली. और उसके अलावा यू गेट टू हैव दिस थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, जो मुझे लग रहा है इट्स ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ वर्कआउट, सो यू शुड डेफिनेटली एक्सपीरियंस दैट टू. और उसके अलावा देयर कैफेज मेन्यू ऑल्सो सीम्स टू बी रियली गुड, सो दिस इज़ वन ऑफ देयर डिशेज, क्लब सैंडविच, विच आई एम गोइंग टू ट्राई. चलते, I'll see you in the next episode. Bye bye. Zaijian.